हाय इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू ऑन सोशल पॉलिसी ओके नेहरू ऑन सोशल पॉलिसी पिछले दो वीडियो में हमने इकोनॉमिक एंड एग्री एग्रेरियन पॉलिसी के ऊपर नेहरू जी के क्या विचार थे इसको और उनके क्या विज़न थे इसको हमने देखा अभी हम सोशल पॉलिसी से रिलेटेड उनके विज़न को उनके विचार को उनके काम ओके okay? उन्होंने क्या क्या उस उन्होंने क्या क्या इसमें बदलाव लाए इन्होंने क्या क्या काम किया यह सब चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे ओके देखिए वेन यू टॉक ऑफ सोशल पॉलिसीज़ वी मीन पॉलिसीज दैट एम टू बेटर सोशल कंडीशन ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशन जब भी हम कई सोशल पॉलिसीज की बात करते तो हम मेनली इस चीज़ की बात करते कि एक अच्छी सोशल कंडीशन हो ठीक है बस डेट्स इट बट सोशल पॉलिसीज के अंदर एजुकेशन भी आता है हेल्थ भी आता है लीगल बेनिफिट सोशल अफ्लिटमेंट ये सभी किसके किसके अंडर किस आता है ये सब सोशल एरिया से तो इसके ऊपर भी नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और इसके ऊपर काम किया तो अभी इन्हीं को हम वन बाय वन देखते हैं ओके कि नेहरू जी ने एजुकेशन के ऊपर क्या बात की उन्होंने एजुकेशन में क्या क्या काम किए ओके क्या क्या डेवलपमेंट किए आज जो हम देखते हैं उसमें से नेहरू जी ने क्या क्या किया है चलिए शुरू कर दे, देखिए नेहरू वाज अ ग्रेट विजनरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ठीक है वो एजुकेशन सिस्टम के बहुत ज़्यादा विजनरी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचा है ओके और किया भी है ही एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ उन्होंने चिल्ड्रन और यूथ के एजुकेशन की बात की बिलीविंग इट इसेंशियल फॉर इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस और ये भी कहा ये इंडिया के फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवर सा दस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ओके इनके इनके टेन्यर में बहुत अच्छी अच्छी आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशनस है इंडिया के अंदर अगे जैसे मेडिकल के अंदर हो गया ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया जिसको एम्स बोलते हैं ये मेडिकल की वन ऑफ़ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उसके बाद इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया मैनेजमेंट से रिलेटेड देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन किसने बनाई किन के कार्यकाल में हुई किन के टेन्योर में हुई जवाहरलाल नेहरू जी के ओके दी डाईक्शन ओके सॉरी दी डाईलैक्टिक ऑफ फ्यू द फर्स्ट रेट इंस्टीट्यूशन एंड द फ्लेथोरा ऑफ इंस्टीट्यूशन विद एनी एजुकेशन डिस्टर्ब नेहरू ही रोड एकेडमिक फ्रीडम एंड सपोर्ट फॉरन academic collaboration देखिए इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि हमें एकेडमी को फ्रीडम देना चाहिए ओके और हमें जो फॉरेन एकेडमी होती है उनके कोलेबोरेशन के साथ ओके उनके साथ मिलके कोलेबोरेशन करके ओके मतलब उनके साथ मिलके हमें क्या करना चाहिए जो एकेडमी है ओके उनको सपोर्ट करने चाहिए और उनके साथ मिलकर काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी सीखना चाहिए ओके तो

उनके हिसाब से उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी ही सजेस्टेड अ मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट की बात इफेक्टिव डेवलपमेंट की बात की इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑफ़ द इंडियन ट्रेन ओके एब्रॉड थ्रू द स्पेशल रिक्रूटमेंट चैनल इफ नेसेसरी ओके तो उसके बाद नेहरू ऑल्सो आउटलाइन द कमिटमेंट ऑफ द फाइव ईयर प्लान टू गारंटी फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया इन्होंने जो जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ठीक है ये फ्री देने की बात की ओके फ्री देने की बात की इन द फाइव ईयर प्लान में सो फॉर दिस परपज़ज़ इस परपज़ के लिए नेहरू जी ने ओवरसा क्रिएशन ऑफ मास विलेजेस इनमेंट प्रोग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द थाउजेंड ऑफ स्कूल तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे हज़ारों स्कूल बना डाले ठीक है और इन्होंने फ्री में गारंटी दिया अपने फाइव ईयर प्लान के थ्रू गारंटी दिया कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश के बच्चों के लिए ओके okay? और इसके लिए इन्होंने हजारों स्कूल खोल दिए नेहरू लॉन्च दी प्रोविजंस ऑफ फ्री मिल्क एंड मिल टू चिल्ड्रन टू फाइट माल न्यूट्रिशन एडल्ट एजुकेशन सेंटर उसके बाद वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल ऑर्गेनाइज फॉर एडल्ट स्पेशली इन द रूर एरिया तो, तो रूलर एरिया के अंदर इन्होंने फ्री मिल्क एंड मिल देने की बात की ऐसे बच्चों के लिए जो कि क्या कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन का सामना कर रहे हैं उसके बाद इन्होंने एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाए जिससे कि कोई स्किल सीख सके वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल बनाए फॉर दी डेवलपमेंट ओके फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ़ दी एडल्ट चिल्ड्रन ओके एंड इस तरह से इन्होंने रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किए ठीक है थीके? तो ये मेनली इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या किए ओके okay? जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सब चीज़ें हमने देखा है इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो बहुत बड़ी बड़ी जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन है इन इनके टेनर में बनाई गई मतलब मेनली इन्होंने इसका मोटिव रखा देन इन्होंने फॉरेन एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमें एकेडमी को फ्रीडम देना है सपोर्ट करना है ओके देन इन्होंने फाइव ईयर प्लान में ये कहा फाइव ईयर प्लान के थ्रू इन्होंने गारंटी दिया फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो आज भी ठीक है आज भी लाखों बच्चे ओके okay? लाखों बच्चे इसकी मतलब इसका प्रॉफिट ले रहे हैं ओके मतलब इसके थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में काम किए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज लॉ के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिज लॉ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें किए हैं ठीक है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय